गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिशन मेकर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आज का जो वीडियो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर बनना है तो वो उसके लिए राइट पाथ क्या होगा। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज क्या है स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने के, और साथ ही साथ सैलरी ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन तीन टॉपिक्स पे मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, इन्हीं तीन टॉपिक्स पे फुल डिस्कशन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। और जिसको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है दे कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। चलिए तो आप सब देखते होंगे कि आप लोग मतलब पैकेज अगर सर्च करते होंगे तो सबसे ज्यादा पैकेज जो दिखता होगा आपको ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर ही दिखता होगा या फिर बीम में दिखता होगा। बट मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि स्ट्रक्चर में उससे भी ज्यादा दिख जाता है। अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के प्रोफाइल के लिए हम क्या पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेज। भाई एडवांटेज ये है इसका कि आपको साइट पर खड़े होकर अपना सुबह से शाम तक का टाइम बर्बाद नहीं करना होता है। आप एक ऑफिस के अंदर बैठ के आराम से आपके पास प्लानिंग आएगी, उस पर कंसंट्रेट करके कॉलम बीम के साइजेस चूज करो, स्लैब चूज करो, उनके डिजाइंस करो विद द हेल्प ऑफ स्टेट्रो ईटैप्स अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करके। तो ये थोड़ा सा फिक्स जॉब होती है, इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा इस जॉब में एक चैलेंज होता है, जैसे अगर आप साइट पर देखोगे तो एक साइट कंप्लीट करने के बाद दूसरा साइट आपको हलवा लगता है। मैक्स पॉसिबिलिटीज है, कई लोग दिल पे मत ले लेना, बस सच यही रहता है। अगर आप एक साइट कंप्लीट किए दूसरा साइट आपको हलवा लगे, मतलब एक किक नहीं मिलती है। लेकिन इसमें ऐसा है कि एक प्रोजेक्ट करने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट में क्या है, पड़ोसी के घर साइट में है तो अब आपको कॉलम का साइज कैसा देना है, उसके साथ फुटिंग किस तरह से डिजाइन करें कि पड़ोसी के घर को थोड़ा टेंशन कम हो, इस तरह से बहुत ढेर सारी चैलेंजिंग जॉब। बीम है कुछ फेल ही हो रही है और आर्किटेक्ट बोल रहा है कि मुझे यहीं पर कॉलम चाहिए। तो जो किक बनने की मिलने वाली चीज़ है ना, जिसको किक पसंद है लाइफ में, उनके लिए ये प्रोफाइल बहुत बेस्ट होता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें दिमाग आपका चलता रहता है। तीसरा जो इसके अंदर एडवांटेज मैंने देखा कि भाई एक फिक्स टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको करना है, क्योंकि आपको जो भी कोई कैरियर का चुनाव कोई करता है तो फ्यूचर को देख के करता है, तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कैरियर बेस्ट कैरियर हो जाता है, मैं ये समझता हूँ। और आई थिंक आप सब भी यही समझेंगे कि हाँ यार ऑफिस का एक फिक्स टाइम होना चाहिए। तो ये तीन मेन एडवांटेज है इसके। चौथा एडवांटेज यहीं पर कैलकुलेट कर देता हूँ कि आप स्टार्टिंग में मिनिमम 15, तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 15,000 से स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे 18,000 से होते हैं जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं, और मैक्सिमम की इसमें लिमिट नहीं है। 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस पे 70,000 to 80,000 की सैलरीज आप उठा सकते हो, ये क्लियर है अगर आप अच्छे एमएनसी में एंट्री कर गए। एमएनसी में कैसे एंट्री करेंगे वो भी आज एक वीडियो में डिस्कस करूंगा गाइस। ये था इसका एडवांटेज। चलिए अब राइट पाथ बताता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने ऑटोकैड कहीं से सीखा हुआ है, कहीं पर स्टेट्रो सीखा हुआ, कहीं पर ईटैप सीखा हुआ, अच्छा किया सीखा है आपने, लेकिन वो सर्च करने लगते हैं डायरेक्ट स्टेट्रो पे जॉब, और डेफिनेटली वो फ्रेशर है। तो अब डायरेक्ट स्टेट्रो पे जॉब उनको कौन देगा, उनका 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाता है सिर्फ इसी सर्चिंग में यार कि मुझे स्ट्रक्चर पे जॉब ही नहीं मिल रही है। डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे जॉब के लिए अप्रोच मत करो। एंट्री करने का सही तरीका बताता हूं आपको। आप सब ने ऑटोकैड सीखा होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि सही तरीके से जो एक कंपनी का लेवल होता है उस लेवल का आपने सीखा होगा ऑटोकैड, ये मैं मान के चलता हूं। अगर आपने ऑटोकैड सीखा हुआ है तो आप अच्छी तरीके से स्टेट्रो सीखो, अच्छी तरीके से स्टेट्रो सीखो। स्टेट्रो के बाद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है RCDC, वो ना सीखो तो RCCAD, ऑटोकैड, स्टेट्रो, RCDC या फिर RCCAD, ये तीनों सॉफ्टवेयर सीख लो। कर लिया जी। अब आप में से कई ढेर सारे ऐसे लोग मुझे बोल रहे हैं सर मुझे तो बड़ी कंपनी में काम करना है, तो अगर ऐसा ख्वाब है आपका तो इस ख्वाब के लिए ईटैप्स और सेफ एक साथ सीख लो, इनके साथ ईटैप और सेफ। ईटैप सेफ सीख लिया, स्टेट्रो और RCDC सीख लिया, और ऑटोकैड सीख लिया, हो गया जी, क्लियर है। अब आप पूरी तरीके से जो एक कंप्यूटर वाली स्किल्स चाहिए उसके लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्रोफाइल में। अब थोड़ा सा हाथ वाली प्रैक्टिस की बात करता हूँ। हाथ वाली प्रैक्टिस इन द सेंस आपके अंदर थोड़ा सा मैनुअल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपका SFD BMD ये क्लियर होना चाहिए, मैनुअल डिजाइन बीम का, कॉलम का, फुटिंग का, स्लैब का, ये क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद अगर आपको परफेक्ट गाइडलाइंस पता है IS 456 का, अगर स्टील में एंट्री कर रहे हो तो IS 800 का, तो वो आपको जरूरी है। इसके बाद IS 1893 और IS 875, इनका भी आपको पता होना चाहिए कि भाई सेस्मिक अगर मैनुअली कैलकुलेट करना हुआ, विंड को मैनुअली कैलकुलेट करना हुआ, या फिर अगर हमको सॉफ्टवेयर ने डाटा दिया तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये पता होना चाहिए। और लास्ट पावदान पे आपको पता होना चाहिए एक्सेल सीट,
क्या एक्सेल शीट के माध्यम से भी कई ढेर सारी कंपनियां क्रॉस चेक करती हैं, कई ढेर सारी कंपनियां तो उसी पर रिजल्ट देती हैं। अगर आपको इतनी चीजें आती है, बिलीव करिए आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के प्रोफाइल के लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा डायरेक्ट अप्रोच मत करो। कैसे होता है कि लोग स्टेट प्रो पे जॉब सर्च करेंगे डायरेक्ट, भाई स्टेट प्रो पे डायरेक्ट मत करो ना, अभी आप फ्रेशर हो तो आप ऑटोकैड पर जॉब सर्च करो। लेकिन ऐसी कंपनी में जो ऑटोकैड स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन का काम करवाया आपसे, किसकी, ऑटोकैड स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन, और उस कंपनी के बारे में देखो कि क्या वो कंपनी स्टेट या फिर ईटैप पर काम करती है क्या। ठीक है, दोनों को ऑप्शन इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कोई कंपनी स्टेट पर करेगी, कोई ईटैप पर, दोनों आता है तो आपका टेंशन नहीं, आप दोनों के लिए अप्लाई अच्छे से कर सकते हो। अगर उनके कंपनी में स्टेट या फिर ईटैप्स है, आप ऑटोकैड के माध्यम से एंट्री कर लो, चुपचाप कुछ मत बोलो, सैलरी के बारे में ज्यादा मत सोचो, थोड़े दिन के लिए एंट्री करने के बाद वहां पर 6 महीने तक अपना अच्छा परफॉर्मेंस दो। परफॉर्मेंस देने के बाद उनको बोलो सर आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्टेट प्रो या फिर ईटैप्स जो भी उनके कंपनी में है, अगर आप चाहें तो मुझे ये प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं, आई कैन डू दिस ऑल्सो। ठीक है, बिलीव करिए आपके उस सैलरी में अगर आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो बहुत हैप्पी होगा सामने वाला, और जैसे हैप्पी होता है आप उसको बेहतर प्रोजेक्ट करके दीजिए। एक दो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद सर अब हो चुका है, आप मेरी सैलरी का ग्रोथ करिए क्योंकि मैं स्ट्रक्चर का भी काम कर रहा हूं, आपका सैलरी का भी ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन ये चीज कैसे गए हम लोग, इनडायरेक्ट गए, ऑटोकैड पे गए, फिर स्टैट पे गए, फिर अगर ईटैप उनके पास ईटैप पे गए, क्रॉस चेक के लिए हमारे पास हमने बैकअप सब बना रखा है। इनडायरेक्टली जाओगे बहुत जल्दी एंट्री हो जाएगी, बीटेक हो या बी हो, कई लोग के दिमाग में ये मतभेद रहता है कि केवल एमटेक वाले ही स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, भाई ये गलत है। ठीक है, बीटेक वाले भी जा सकते हैं लेकिन पाथ जैसा मैं बता रहा हूं वैसा, डायरेक्ट मत अप्रोच करो कि डायरेक्ट 25,000 की नौकरी लग जाएगी, लगेगी, थोड़ा धैर्य रखो। इस तरह से अगर गए, एक साल के बाद आप अपने आप को देखोगे 15-20,000 तो मिनिमम सैलरी होगी बट 22-25 भी जा सकते हो। और एक बार जब आपके प्रोफाइल के आगे लिख के आ गया स्ट्रक्चर इंजीनियर, अब आपका नेक्स्ट टारगेट यहां पर स्टॉप नहीं करना, ये छोटी कंपनी थी ना, एक साल हो गया ना, 1.5 साल हो गया, अब बस कंपनी हमेशा 1-1.5 साल के बाद नमस्ते हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी सैलरी स्ट्रक्ट हो जाती है। क्योंकि एक कंपनी एक ही तरह का प्रोजेक्ट करती है, वो करते करते कितना सीखोगे आप, 1-1.5 साल सफिशियंट, अब स्विच मारो। ठीक है, अब अप्रोच करो लिंक्डइन के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों में, और अपना जो कवर लेटर बनाओ इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप उनको बताओ कि मैंने इस टाइप से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। अब आप लिंक्डइन जॉब सर्च आपने सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सर्च कर लीजिएगा लिंक्डइन जॉब सर्च, उसके अंदर मैक्सिमम एमएनसीज मिलेंगी, एमएनसीज मैक्सिमम रजिस्टर्ड हैं लिंक्डइन जॉब सर्च पे, आज ही आप सर्च कर लेना उसका, शायद ऐप भी इंडिविजुअल और बाकी आप लैपटॉप पे, तो मैं देखता रहता हूँ, तो लिंक्डइन जॉब सर्च के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप एक बार एमएनसी के अंदर एंट्री किए तो 4 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया गाइस, और एक बार 4 लाख पैकेज फिर धीरे धीरे आप खुद ही रास्ता बना लोगे। ये है सही तरीका, धीरे से छोटे से स्टार्ट करना और लास्ट तक स्टार्ट करना। तो मुझे लगता है आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हाँ यार, एंट्री करने के लिए थोड़ा सा बैक आके फिर आगे जाना चाहिए, ये नहीं कि हम डायरेक्ट ही कूदेंगे, डायरेक्ट कूदोगे तो हो सकता है नाली में गिर जाओगे। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से अनुभव बोल सकते हो जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ हाँ, ये अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का फुल कंप्लीट पैकेज आप सबको चाहिए तो यूनिक्स सिविल ऐप आपके पास होगा, अगर नहीं है तो भाई ऐप डाउनलोड कर लो, आपके काम की चीज़ उसमें आती रहती है, कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, स्टोर में जाना, वहाँ पर ऑल इन वन कोर्स में हैप्पी दिवाली कोड यूज करना, दिवाली तक केवल 3,000 रुपीज़ में कंप्लीट स्ट्रक्चर का पैकेज मिल जाएगा, और वो लेने के बाद मैं आपको मैक्सिमम बोल सकता हूँ कि बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर का आपके कॉन्सेप्ट छोटे बड़े मेरा पूरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर, आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे लाइव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस मिलता है, डाउट लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो बहुत कुछ है उसके अंदर। 3,000 ये दिवाली आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जला सकते हो, आप अगर अरेंज कर पाओ, क्योंकि इसके बाद भी फीस थोड़ी बहुत तो बढ़ जाती है, लेकिन अभी दिवाली का ऑफर है तो आप इसको यूज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, अच्छी वीडियोस को शेयर करोगे तभी तो और अच्छी वीडियोस आएंगी। शेयर करने में कितना मिनट लगता है, कुछ नहीं लगता है, बल्कि आपका नॉलेज ही बढ़ता है। थैंक यू सो मच।